जगह पे भी हमने उनको बोला था कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अंधेरी वेस्ट में जा रहे, वर्सोवा में जा रहे, मैंने सोचा हर जगह भी जाएंगे तो भी कम है। सर बहुत अच्छा काम करते हैं, सब जगह काम करते हैं, और अवेयरनेस के साथ साथ कोरोना भी उन्होंने अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ काम किया है, वर्सोवा गाँव में अच्छा काम किया है, अंधेरी वेस्ट में काम किया है, अच्छा सब जगह काम उनका अच्छा है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि कोरोना कम हो चुका था लेकिन अभी फिर से चालू हो गया है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो है, मास्क है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हम थोड़ा बिंदास्त होने जा रहे हैं, इससे बढ़ रहा है अंधेरी वेस्ट में, तो ज़्यादा बढ़ रहा है के वेस्ट वार्ड में, तो हमें थोड़ा केयर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे लोगों के ध्यान में आ जाएगी, और कुछ सोचेंगे लोग कि नहीं, हमें थोड़ा ध्यान देंगे तो कोरोना भाग जाएगा। आज इस मौके पे हमारे यहाँ आयशा जुल्का जी आई है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पे हमारे पॉपुलर नगर सेवक वार्ड नंबर 60 के योगीराज दाभाड़कर जी हैं, और प्रशांत काशी जी हैं, और सारे यहाँ पे जो हमारे भाई और बहनें खड़ी हैं और मीडिया के लोग खड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, और जो यहाँ पे परफॉर्म्स करने वाले हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, उनका खास तौर पर अभिनंदन भी करती हूँ कि कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अच्छा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला है कि आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो अवेयरनेस के लिए, तो आपका अभिनंदन करती हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम आपका कैसा है, और आयशा जी को मैं बोलती हूँ कि इसके बारे में आप ही थोड़ी दो वर्ड बोलिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भारती जी का, योगी जी का, और अजय जी तो बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं इस तरह के कार्य करने में। एकता मंच के साथ मैं भी काफ़ी गहरी तरीके से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम के स्ट्रीट प्लेस के इसकी थॉट जो अजय जी को आई है, इट इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि जैसे भारती जी ने कहा कि हम बिंदास होते जा रहे हैं। सही बात यह है कि लोग कहते थे हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब जब हमने कंट्रोल कर लिया था और हम इतनी अच्छी तरह से लॉकडाउन को निभा पा रहे थे, तो ऐसे जैसे कोई जानवर कैद में से निकल जाता है वैसे हम सब भाग पड़े बाहर, और उसकी वजह से कई सारे लोगों को तकलीफ़ शुरू हो गई वापस। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, और हमारी वजह से हम कैरियर्स ना हों, सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ ना हो, हम कैरियर्स ना बने किसी और को तकलीफ देने के, क्योंकि हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से कोई वीक इम्यून सिस्टम वाला हमारा फैमिली मेम्बर, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी इसमें फंस सकता है। और इस तरह की लापरवाही हम ना करें, यही गुजारिश है। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये बच्चे जो ये स्ट्रीट प्ले के द्वारा इस मैसेज को देना चाह रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, और एकता मंच के अंडर एक बार फिर इस तरह का इतना अच्छा कार्य हम लोगों ने, अजय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि हम लोगों ने इसके बारे में सोचा और जगह जगह जाकर इस चीज़ को अवेयरनेस की तरह बढ़ाने की कोशिश करी। मुझे लगता है हमें इसके अंदर लाखों लोग नहीं चाहिए, हमें वो बिल्डिंग के अंदर लोग जो सुन रहे हैं, शायद 100% सुन रहे हैं, सिर्फ इस अवेयरनेस को अपने माइंड में रखिए और इस चीज़ को, इस थॉट को अपने माइंड में रखिए, और कृपा करके इस कोरोना को भगाने में सब लोग मदद करें। थैंक यू। अजय जी, हर चीज के लिए कतार होती है, अच्छा। मतलब रेलवे के लिए कतार, बस के लिए कतार, रिक्शा के लिए कतार, राशन के लिए कतार, हर चीज के लिए कतार, 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 कतार। अरे कतर कतर के मेरे शरीर के पूरे छेड़ दिए तार। पर उससे पहले मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अभी आ रहा था बाजार में, मैंने इतनी भीड़ दी थी, इतनी भीड़ क्या बताऊँ। अच्छा, मतलब उस भीड़ में से यहाँ पे आया? अरे नहीं, उस भीड़ में से यहाँ नहीं आया,
हमारा महाराष्ट्र सरकार हमसे क्या कह रहा है? हमारा महाराष्ट्र सरकार हमसे कह रहा है कि भीड़ के जगहों पर मत जाइए, भीड़ ना कीजिए, और इसीलिए मैं वो भीड़ में से ना जाते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंस रखते हुए, सामाजिक दूरी बना के रखते हुए यहाँ तक आया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पर सामाजिक दूरी बनाते बनाते क्यों आया यहाँ पे तू? अरे क्यों आया मतलब, अरे अभी कोरोना कितना बढ़ते जा रहा है, कोरोना की दूसरी लहर आने लग गई है। अच्छा अच्छा, कोरोना की वजह से तू दूरी बनाते आया? अरे यही तो संदेश हम लोगों को देने के लिए यहाँ पे आए हुए ना, तो वही बात हमें यहाँ पे खड़े होके नहीं देनी है, लोगों में जाके देनी पड़ेगी ना। तो चलो चलो हवा के साथ साथ संग संग सारी चल। बाबा चिल्लाओ लेकिन जरा आहिस्ते, अरे इतने सारे लोगों के सामने पति की थोड़ी तो इज्जत कर। अरे पति की इज्जत करती हूँ लेकिन पति का मास्क लाना भूल गई, उसका क्या? क्या मेरा मास्क लाना तू भूल गई? मेरी माँ ना बराबर कहती थी, मेरे बेबी ना एकदम भुल्लक्कड़ है, भुल्लक्कड़ कचनी के औलाद। अभी जाने दो ना, भूल गई तो भूल गई, अब क्या करना वो तो बताओ। अरे अब क्या करना है? अरे यार मास्क लगा लगा कर वो कान के ना फूल बन गए थे, नाक पूरा ऐसा चपटा हो गया था, और कहीं बाहर निकलने का क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव लेना जरूरी था इस समय? बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया, बहुत ही अच्छा, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि क्या है कि समाज में अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज़ का अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कोरोना एक ऐसी नई चीज़ थी इसलिए हमें 2019 में कि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज हमें दूसरी जो वेव आई है उसका सामना करते हुए हमें क्या अवेयरनेस करना चाहिए, कैसे हमें केयर लेनी चाहिए, ये सारी बातें फिर से दोहराने की ज़रूरत हमें पड़ रही है। और मुझे लगता है कि अजय सर ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये मैं तो उनको बोलती हूँ कि पूरे मुंबई में करो, आप यहाँ पे ही मत करो, वर्षों वही मत कीजिए, सब जगह जाइए, आप एवेस पूरा कवर कीजिए, मुंबई में भी जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सामाजिक लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमेशा वो काम करते ही है अच्छा, और ये काम तो और चार चांद लगा दिया दे दिया है उसके, तो हमें लगता है कि ये प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा हुआ है, और जिन्होंने काम किया है इस ड्रामा में उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्म दिखाया है, जिन्होंने लिखा है उनका, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, और जिन्होंने जो रोल प्ले किए हैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो है अवेयरनेस से दूर है, लोग बाहर निकल जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आपको लगता है कि जब सेलिब्रिटी कोई बात करता है तो मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है वो बात? वेल मैं यही कहूँगी कि ये प्रिविलेज है हम लोगों का कि लोग सुनते हैं, बट सुनने में और अमल करने में फ़र्क होता है, तो सिर्फ सुनिए मत अमल भी कीजिए, यही हम सब की दरख्वास्त है, हम सब यही एक मैसेज लेकर आए हैं कि हम इस बीमारी को भगाना चाहते हैं अपने इस देश से, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई और कैजुअलिटीज़ हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सबको बहुत तकलीफ हुई है, आप सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, हम नहीं चाहते कि इसी तरह का लॉकडाउन दोबारा हो, जो शायद हम सब प्रिपेयर्ड नहीं हैं और शायद हम सब नहीं चाहते, तो हम सरकार की मदद करें, हम अथॉरिटीज़ की मदद करें, हम इतना योगदान तो कर ही सकते हैं कि अपने अपने आप अपने आसपास इस मास्क को ना छोड़ें, सैनिटाइज करें, इमीडिएटली घर जाकर स्नान करें, किसी के इतना क्लोज ना खड़े हों कि हम उन्हें इन्फेक्शन दे सकें या उनसे ले सकें, हम कैरियर्स ना बने, हमें इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना होगा, और हमेशा एकता मंच ऐसे कार्यों में, कई सारे कार्यों में हमेशा आगे बढ़कर आई है, और अजय जी का ये बेबी और ये दिमाग जो इस तरह से चलता है कि किस तरह से हम सिचुएशन को और अवेयरनेस में डालें, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ इस प्ले को, इतने अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, हमें इसे पूरे मुंबई में, जैसे उन्होंने कहा मैं फुली अग्री कि हम इसे हर जगह करें, और मुंबई ही क्यों, इसे हम लोनावला ले जा सकते हैं जहाँ वैसे भी जा रहे थे बच्चे, तो परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड,
और इतना कम समय में हर चीज़ को उन्होंने उठा लिया। अब सिर्फ हमें ये काम करना है कि इस मैसेज को हमें घर लेके जाना। तो यही दरख्वास्त है आप सबसे, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, आसपास वालों को सेफ रखिए, हमें सेफ रखिए, मास्क पहनिए। अजय सर, हमने देखा कि लॉकडाउन में सर एक शोले चोल यहाँ तो बोलो, यहाँ तो बोलना सर, एक सर हमने देखा कि एक साल पहले इतना इनिशिएटिव लिया आपने डॉक्टर लेके हो या फिर कोरोना को लेकर हो, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? जो अच्छा समाज का कार्य है वो मोटिवेट करता है, जो जो समाज के प्रति जो जो अच्छा काम होता है उसके लिए हम लोगों ने क्या संकल्प किया है। सर इसके अलावा आपने जो मेरी प्लेस की अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला है लोगों से और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और इसके अलावा जो मैसेज था वो लोगों ने और लोगों तक पहुँचा दिया। प्रशांत जी आपसे जानना चाहूँगा, सर तो इनिशिएटिव लेते हैं लेकिन आप भी उनका पूरा साथ देते हैं, हमने देखा है कि हर जगह पर आप उनके साथ होते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कितने इंस्पायर्ड है आप सर से और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि जहाँ सर है ना तो उनकी परचाई का रही है, परचाई से सवाल नहीं पूछते, जहाँ सर जाएंगे वहाँ परचाई। थैंक यू, थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं कहेंगे। ओके चलो।